नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है मेरे दोस्त पंकज की। माँ माँ, 50 रुपए दो ना, दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। बेटा 50 रुपए कहाँ से दूँ, मालिक ने महीनों से पगार नहीं दी है। जा बाबा से मांग ले। बाबा 50 रुपए मिलेंगे क्या? क्यों, क्या काम है? वो दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर जाना था। नहीं मिलेंगे। क्या बाबा, आप भी, आपसे कभी पैसे मांगू आप पैसे नहीं देते। जब देखो जब दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है, जब वो टायर दे और मेरे साथ लग जाओ। मैं नहीं कर रहा ये, जीवन भर आपकी तरह मुझे पंचर नहीं बनाने। और पंकज कैसा है? कुछ ठीक नहीं चल रहा यार, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, कुछ खिला देना। क्यों, तेरे बाप ने तेरे को पैसे नहीं दिए? कब तक मेरे टुकड़ों में पलेगा? अगले दिन क्या बताएं भाई साहब, कहीं लग ही नहीं रहा है मुझे। एक बात करनी थी आपसे। हाँ बताओ। कम्मो की उम्र हो गई है, उसकी शादी करवानी है। कहाँ से करेंगे शादी, कहाँ से लाएंगे पैसे? तुम्हारा लड़का भी नालायक है, कुछ काम करता नहीं है, आज तक एक पैसा भी मेरे हाथ पे रख के दिया नहीं है उसने। उसी शाम। क्या हुआ भैया, इतने उदास क्यों? आज सुना नहीं, बाबूजी और अम्मा कहाँ बतिया रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन हमने अपने जीवन में ऐसा कुछ सीखा ही नहीं है जिससे हम रुपया कमा पाए, और ये बाबूजी वाली लाइन में लग गए ना तो जीवन भर फटे टायर सिलते रह जाएंगे। हमें कुछ बड़ा करना है, और यहाँ रहे ना तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा हमको। अरे नौकरी का इश्तिहार, यहाँ जाके काम मांग के आता हूँ। मालिक, वो हमने आपका पर्चा देखा था। मालिक, हमको पैसों की सख्त जरूरत है, हमारे लिए कुछ काम मिल सकता है क्या? ये मेरे टायर की फैक्ट्री है, इसमें एक बंदे की जरूरत है। कल सुबह आ जाना, रमेश जी तुम्हें काम समझा देंगे। रमेश जी सो काम समझा देना सुबह। ठीक है मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन सुबह।
मैं रुक नहीं सकता, अभी तो बहुत काम बाकी है। काफी थक गया है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तू कब सोने का पैसा दिए? माफी मालिक, माफी, वो हम सो गए थे, हमारी आग लग गई थी, हमें पता नहीं चला। चला जा, निकल जा यहाँ से, जल्दी दिख मत जाना दोबारा कभी। इन टायर की जिंदगी भी हमारे जीवन की तरह हो गई है, इनमें कांटे लगते हैं और फिर सारी हवा निकल जाती है। इन टायर्स में कांटे लगते हैं और फिर हमें इनका पंचर बनाना पड़ता है, अगर ये खुद ब खुद ठीक हो जाए तो। इस काम में एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है। भाई क्या हाल है? कुछ नहीं यार, बस कट रही है। और तेरी इस नौकरी का क्या हुआ? हाँ यार, वहां से मुझे निकाल दिया यार। तो अब जो करना है खुद का करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे पड़ेगी। बोल भाई, तेरे से जान भी हाजिर है। मैं जिस चीज पे काम कर रहा था ना, उसमें रासायनिक विज्ञान का सुना गया, और तू तो उसी चीज की पढ़ाई कर रहा है, तो बस थोड़ी मदद कर दे यार। अरे क्यों नहीं यार, तू शाम को आ जाइए मेरे घर पे, ठीक है? ठीक है यार, थैंक यू। अरे चलो यार। फॉर्मूला, पर इसको बनाने के लिए मुझे इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी। कहां से लाओ इन्वेस्टर? क्यों ना मालिक से ही पूछ लूं। हेलो मालिक, मैं पंकज, मैंने एक ऐसी चीज बनाई। यार फोन भी काट दिया हमारा। अरे यार, आइडिया भी सोच लिया, प्रोडक्ट भी बना लिया, पर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा है। लगता है मैं फिर से हार गया। अरे ये क्या है? अरे फिश टैंक, ये तो बहुत बड़ा मंच है हमारी आइडिया को दिखाने के लिए। अब तो यहीं जाना पड़ेगा, जल्दी से इनके नंबर पर फोन करके रजिस्ट्रेशन करा लेता हूँ। फिश टैंक के मंच पर हेलो फिशेस, मेरा नाम है पंकज और मैं आपके सामने लाया हूँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें टायर पंचर होकर खुद ही ठीक हो जाता है। भाई ये सब दोगला बना है, छोड़ दे ये सब। भाई सच कह रहा है या ये कोई प्रैंक वगैरह है शोरी के लिए? सर ये मेरा एक ओरिजिनल आइडिया है और एकदम टेस्टेड है। इसमें मैंने एक ऐसे पॉलीमर पर काम करा है जो कटने के बाद से खुद ही जुड़ जाता है और पॉलीमराइज हो जाता है। इंटरेस्टिंग। भाई सेल्स वगैरह हुआ है कुछ तेरा? सर मुझे टायर नहीं बनाना है, मुझे इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड की हर जगह पे भेजना है और इसके पेटेंट से पैसे कमाने हैं। देखिए आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे इसके पीछे की स्टोरी बता सकते हैं? सर मैं बहुत छोटे से शहर से आया हूँ, परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। माँ लोगों के यहाँ बर्तन मांजती है और पिताजी की पंचर की दुकान है। बहुत रुलाया है अपने माँ बाप को, फिर एक दिन एहसास हुआ जब इस बात का, तो निकल पड़ा काम की खोज में।
काम मिला और फिर मैंने फिर सीखा वहाँ पर ये सब करना। एक दोस्त भी है जिसने बहुत मदद की मेरी, उसने इस टायर के पीछे के साइंस सिखाए, काफ़ी रात जागा फिर ये चीज़ बना दी। भाई तू इधर है, भाई तू बहुत कमाल कर। यार देख प्रोडक्ट तो तेरा ठीक है बट ट्यूब कंपनी है जो है तुझे सरवाइव नहीं करने देंगी, तो तू लड़ लेगा? सर बचपन में इतनी तकलीफों से लड़ा हूँ, माँ की डांट, बाप की डांट, घर की खराब हालत, अब लड़ना तो मेरे खून में है। लड़का तो तू वॉरियर है भाई। बॉस मैं आउट हूँ, मुझे तेरा धंधा समझ में नहीं आया, मैं बिजनेस वाला बंदा हूँ और मुझे तेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आउट। अभी आपका जो प्रोडक्ट है वो इनिशियल स्टेज में है और इसमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन बाद में आपकी सारी मदद करने के लिए रेडी। यार बिजनेस मॉडल तो तेरा भी कमजोर है, चलेगा कि नहीं चलेगा इसमें मेरा डाउट है, पर लड़का तो भाई वॉरियर है, आई एम इन। और मेरे वॉरियर पैसे वैसे का बाहर देखेंगे, तुझे बस मेरे साथ कंपनी बनानी है, तेरी कंपनी हम ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है? इसी जीत के साथ पंकज ने ये साबित कर दिया कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा।